मुंबई के पनवेल में टैंकर में एलपीजी गैस निकालकर बाहर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश पनवेल पुलिस ने किया है। ये गिरोह एक टैंकर में गैस निकालकर एक ढाबे पर मशीन के माध्यम से सिलेंडर में एलपीजी गैस भरकर दुकानदारों को बेचा करता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उरन बीपीसीएल के टैंकर में एलपीजी गैस भरकर वो गैस पनवेल के एक बड़े ढाबे पर अवैध तरीके से सिलेंडर में भरी जा रही थी, जिसमें एक गिरोह शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। ये गोरख धंधा पिछले कई दिनों से जारी है, जो अवैध तरीके से एलपीजी गैस को टैंकर के माध्यम से सिलेंडर में भरकर चुराकर दुकानदार और अन्य लोगों को बेचा करता था, जिसमें कुल 6 आरोपी शामिल होने की जानकारी बताई जा रही। इन आरोपियों के पास से 59,14,875 रुपयों का माल जब्त किया गया है। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दौंडकर और उनकी टीम, उनको एक इंफॉर्मेशन थी कि कुछ गैस टैंकर से गैस चोरी करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर वर्कआउट उन्होंने किया और उसमें ऐसा पाया गया कि जो उरण में जहाँ से टैंकर वहाँ पे गैस वहाँ पे उसमें भरा जाता है, फिलअप किया जाता है और महाराष्ट्र में पूरे एरिया में वो भेज देते हैं, और यहाँ पे शेडुंग टोल नाके के सामने जाके वहाँ पे वो गैस का जो टैंकर है वहाँ पे एक मशीन लगा के टेक्निकली उसमें से गैस चोरी करते हैं। तो उसमें रात में इन्फॉर्मेशन वर्कआउट की गई और उसमें आरोपी भी अरेस्ट किए गए, उसके हिसाब से गुना भी दाखिल है पनवेल तालुका में, और लगभग 41 गैस सिलेंडर जो कमर्शियल जो सिलेंडर थे उसमें सीज किए गए हैं, और 2 गैस टैंकर, उसके पहले दिन भी वो घटना हुई थी और उस दिन जहाँ जिस दिन गुना दाखिल हुआ उस दिन भी घटना हुई थी। तो इसमें लगभग 2 गैस टैंकर और इसमें लगभग 41 कमर्शियल गैस सिलेंडर और आरोपी भी अरेस्ट किए गए हैं। इसमें एक्चुअली जो ड्राइवर और दूसरी एक गैंग है जो राजस्थान से कुछ लोग हैं वो उसमें ऑपरेट कर रहे थे, और ये पूरे अभी हमने गैंग पूरे अरेस्ट किए हैं और उसमें गैस टैंकर भी हमने सीज किया है। तो इसमें बड़ी कार्रवाई पनवेल तालुका के अंतर्गत ये हो गई है। ड्राइवर का जो ड्राइवर है जो समझो उरन से जो गाड़ी निकलती थी वो भी उनमें शामिल रहते थे, उनको कांटेक्ट किया जाता था ये जो गैंग ऑपरेट कर रही है, और उनसे वो शेडिंग टोल नाका जैसे ही पास होती है गाड़ी तो वहाँ पे जाके वो गाड़ी रोकते थे, और वहाँ पे एक जगह है खाली जगह वहाँ पे गाड़ी लगा के उसमें से ये गैस निकालते थे। तो ड्राइवर का भी मेजर रोल है क्योंकि उनको भी वहाँ से उसमें से पैसा मिलता था। मुखिया सोमराज बिश्नोई करके है, तो सोमराज बिश्नोई करके उसमें मुखिया था और ये सब ये ऑपरेट करता था, वही ट्रक ड्राइवर जो है उनसे कांटेक्ट करता था और यहाँ पे कमर्शियल जो सिलेंडर थे वो भी अवेलेबल करके वो मार्केट में बेचता था।